अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? क्या कर रहे हैं? काम करने बैठे हैं। वाओ, कौन सा सब्जेक्ट का? बिल्कुल उर्दू। वाओ भाई, आपको तो पता है। चलें बच्चों, पहले मुझे ये बताइए कि हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा है। वही तो है, शाबाश, वेरी गुड। वही तो है कि वो हमने रीडिंग भी कर ली, हमने पढ़ भी ली, हमने सुन भी ली, है ना? अच्छे से समझ में आ गई। चले तो फिर आप जरा मुझे ये बताइए कि इसमें जो वही तो है वो कौन है, उसे क्या मुराद है, किसके बारे में बात हो रही है? वेरी गुड, अल्लाह ताला के बारे में। जबरदस्त भाई। अच्छा ये बताइए कि इस हम्द में अल्लाह की क्या क्या निशानियां बयान की गई हैं? वो रहमान है, बिल्कुल। उन्होंने चांद बनाया है, उसने सूरज बनाया है और मछलियां बनाई हैं, समंदर है, नबी को भेजा, वेरी गुड। और क्या बनाया? इंसान भी बनाया है, वेरी गुड। रात बनाई है, कितनी बहुत सारी सिफात है ना। अरे भाई वाह, जबरदस्त। अच्छा ये बताइए कि अगर किसी दिन सूरज नहीं निकलता तो क्या होगा? क्या होगा? यस, अंधेरा छा जाएगा। वेरी गुड, शाबाश। अरे भाई वाह, आपको तो पता है। चले बच्चों, अच्छा अब ऐसा करते हैं कि आप मुझे ये बताइए कि हम्द का क्या मतलब होता है। हम्द किसे कहते हैं बताइए? हम्द वो नजम होती है जिसमें अल्लाह की तारीफ बयान की जाती है। वेरी गुड। बाकी सब नज़म होती हैं, लेकिन हम्द का अगर वर्ड यूज करते हैं तो उसका मतलब है कि इस नज़म में अल्लाह ताला की तारीफ बयान की गई है। वेरी गुड। अच्छा जी ये बताइए कि इस दुनिया को बनाने वाला कौन है? इस दुनिया को किसने बनाया है? किसने बनाया? बिल्कुल अल्लाह ताला ने बनाया है। वेरी गुड, शाबाश। अल्लाह ताला ने कुरान क्यों नाजिल किया था ये बताइए जरा कि अल्लाह ताला ने कुरान क्यों नाजिल किया, क्यों दिया है? क्या सिर्फ पढ़ने के लिए कि हम सिर्फ रोजाना पढ़ते रहे इसको? क्या मकसद है इसका? इसका तर्जुमा भी है ना, है ना? अगर हम किसी मसले का शिकार होते हैं, किसी प्रॉब्लम का शिकार होते हैं, कोई मसला हमारी जिंदगी में आ जाता है, तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें कुरान शरीफ लेना चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए, उसके तर्जुमे को पढ़ना चाहिए, उसकी तफसीर को पढ़ना चाहिए। उसमें हमारे सारे मसलों का हल होता है। यानी कि अल्लाह ताला ने हमारी हिदायत के लिए जो है ये कुरान नाजिल किया है, ठीक है? ताकि उसमें बताया जाता है कि नमाज पढ़ी जाती है, कुरान पढ़ा जाता है, नेकी की जाती है, अच्छी बातें की जाती हैं, क्यों की जाती हैं, इन सब के बारे में बताया गया है। हमारी हिदायत के लिए बनाया गया है, ठीक है? वेरी गुड, शाबाश। अच्छा अल्लाह ताला ने सूरज क्यों बनाया है, चांद क्यों बनाया है? क्यों बनाया है भाई? रोशनी के लिए, इनसे रोशनी हासिल होती है। वेरी गुड, शाबाश, जबरदस्त। और बताइए कि अल्लाह के पांच सिफाती नाम आपको याद हैं, पता है? अल्लाह के पांच सिफाती नाम जिसमें अल्लाह की सिफत बयान की गई है वो कौन कौन से होते हैं? आप पांच बताएं, छह बताएं, सात बताएं, इसे रिकॉल करें। रहीम, करीम, अजीम, हकीम, अलीम, रहमान। वेरी गुड, शाबाश। कितने बहुत सारे हमने बता दिए, है ना? चले अब हम करते हैं लिखने का काम। अब मैं आपको जो क्वेश्चंस बताऊंगी, जो आपसे सवालात पूछूंगी, आप उसको गौर से, ध्यान से देखिएगा, ठीक है? क्योंकि आपने क्या करना है, उन सवालात के जवाबात अपनी कॉपी पे लिखने हैं और ये सवालात आपकी बुक उर्दू सिलसिला सोम के पेज नंबर 3 पे मौजूद है, ठीक है? चले पहला सवाल है, हम्द का क्या मतलब है? हम्द का क्या मतलब है? अल्लाह की तारीफ के लिए जो नजम लिखी जाए वो हम्द है। अल्लाह की तारीफ के लिए जो नजम लिखी जाए वो हम्द है। उस दुनिया को बनाने वाला कौन है? इस दुनिया को बनाने वाला कौन है? इस दुनिया को बनाने वाला अल्लाह ताला है, शाबाश। अच्छा जी, अल्लाह ताला ने कुरान क्यों नाजिल फरमाया है?
अल्लाह ताला ने कुरान क्यों नाजिल फरमाया? अल्लाह ताला ने कुरान हमारी हिदायत के लिए नाजिल फरमाया। अल्लाह ताला ने कुरान हमारी हिदायत के लिए नाजिल फरमाया। वेरी गुड। सूरज को अल्लाह ताला ने क्यों बनाया? सूरज को अल्लाह ताला ने रोशनी के लिए बनाया। सूरज को अल्लाह ताला ने रोशनी के लिए बनाया। वेरी गुड। अब अल्लाह के पांच सिफाती नाम लिखें। अल्लाह के पांच सिफाती नाम लिखें कौन कौन से? अजीम, रहीम, करीम, रहमान और हकीम। वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, चलें अब आपने क्या करना है, इन सारे सवालात को और इनके जवाबात को अपनी कॉपी पे लिखना है, लेकिन बिल्कुल ठीक ठीक लिखना है, देख के। सही। चलें अब पेज नंबर 4 पे देखें, खाली जगह है, यानी कि कुछ जुमले दिए गए हैं लेकिन उनको इनकम्प्लीट रखा गया है, उन्हें पूरा नहीं किया गया। तो आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं ना? आपने तो यह हम्द पढ़ी हुई है। सही, तो मैं आपकी हेल्प करूंगी और आप जो है इसको फिल करेंगे। ठीक है, वही तो है डैश, वही तो है डैश, सिखाया हमें डैश, वही तो है डैश, सिखाया हमें डैश। क्या आएगा इसमें? यस, वही तो है रहमान, रहमान, रहमान। वेरी गुड। सिखाया हमें कुरान, 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 कुरान। वेरी गुड, शाबाश। दूसरा जुमला है, नीली लहरें गहरा डैश, नीली लहरें गहरा डैश, मछली डैश इसके अंदर, मछली डैश इसके अंदर। तो फिल करेंगे हम, खाली जगह पूर करेंगे। नीली लहरें गहरा समंदर, 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 मछली मोटी, मोटी, मोटी इसके अंदर। वेरी गुड। नीली लहरें गहरा समंदर, मछली मोटी इसके अंदर। तीसरा है, डैश को भेजा हमको डैश, डैश को भेजा हमको डैश, नबी, 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 नबी को भेजा हमको जगाया, 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 नबी को भेजा हमको जगाया। वेरी गुड। अब हमारा ये काम भी कंप्लीट हो गया। अब आपने क्या करना है भाई जी? इन सब खाली जगहों को आपने पूर करना है। इस वीडियो को बार बार देखेंगे, 3 से 4 दफा देखेंगे और फिर अच्छे से समझ के, अच्छी अच्छी राइटिंग में बिल्कुल सही से आपने समझ के इन वर्ड्स को लिखना है, क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। फिर टीचर जो आपको कॉल करेंगी, आपने उनको अपना काम भेजना है, उनको दिखाना है। ठीक है, मम्मा पापा को भी दिखा सकते हैं, बिल्कुल उनसे पहले उनको दिखाइए और बाद में उनको भेज दीजिए। थैंक यू।